हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं करने वाली हूँ व्लॉग, और अभी मैं जा रही हूँ इस्कॉन टेम्पल जो मेरे घर के नियर बाय है। भाभी यहाँ पे रेडी हो चुकी है, अद्विक सो रहा है और अंकुर भी सो रहा है। तो जिनको अंकुर नहीं पता है उनको पता चल जाएगा भाभी वो वीडियो जो हम लोग चिल्ड्रंस के एक बार फिर से करेंगे इसके बाद में शूट। वो एक साथ सोते सोते आज रात को तेरा दिखा। देखो गाइस, ये अंकुर है। इसके साथ में बहुत चैलेंज कर चुकी हूँ और करेगा इसके साथ में एक चैलेंज, गोलगप्पा ही करते हैं, पानीपुरी वाला। पानीपुरी वाले ही करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताओ कि पानीपुरी वाला करना है कि नहीं। यहाँ पे अद्विक को भी देख लो, दोनों मामा भतीजा सोए हुए हैं। भतीजा बोलते हैं ना, भांजे। मैं वो दोनों एक दूसरे को भांजे ही बुलाते हैं। वो उसको भांजे बोलता है और अद्विक अपने ही मामा को भांजे बोलता है। तो अब मैंने ले लिया अपना जॉब करने वाला। और यहाँ पे कौशल का किधर है भाभी? तो ये है कौशल का। सो चलो रेडी, लेट्स गो, लेट्स गो इस्कॉन टेम्पल। सो गाइस, शाम हो गई है, 7:15 हो रहा है और इतना अच्छा मौसम हुआ है ना गाइस, मज़ा आ रहा है। हवा भी चल रही है, मज़ा आ गया। खा रही है, बोल क्या खा ली है? दादा ने दिलाया? दादा मेरे को क्या बोल रहे हो? मेरे को बोल रहा है पापा मैंने दिलाया। किसने दिलाया? दादा हम लोग को भी दो, थोड़ा सा दे दो। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यस, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? तो आज हम लोग गाइस बात करने वाले हैं कि अच्छी न्यूट्रिशन बच्चों को कैसे देनी चाहिए। अच्छा फूड खिलाने की बहुत जरूरत है, बिकॉज मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी कि क्या क्या बच्चों को अच्छी चीज खिलानी चाहिए। गाइस देखो, यस उसका वो फेवरेट है। सबसे पहले मैं आपको ब्रांड के बारे में बता देती हूँ। ये स्लब फार्म करके एक ब्रांड है जो बच्चों के लिए काफी अच्छी चीजें प्रोवाइड करती है, काफी नेचुरल चीजें प्रोवाइड करती है। कोई केमिकल नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, बहुत अच्छी चीजें लगी मुझे इनकी। तो आप भी ट्राई कर सकते हो, मैं एक एक चीज करके आपको दिखा देती हूँ। अगर आपके घर पे कोई बेबी है जो 3, 4, 6 ईयर्स के है, उनको आप ये सब चीज खिला सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग अद्विक के फेवरेट से स्टार्ट करेंगे। दिस इज अ चोको क्रंच। So this is Choco Crunch Ragi Stars and Moons, no refined sugar, no मैदा। So guys, सबसे पहले ये made by two mothers है guys। इसके अंदर बहुत अच्छी चीज मुझे लगी कि इन्होंने कहा है कि made by two mothers, सबसे अच्छी चीज वो है। और दूसरी, इसके अंदर ingredients तो इतनी healthy है, no मैदा, मतलब समझ रहे हो बिना मैदा की चीज़ तो कितनी अच्छी होती है। मैं तो अद्विक को वैसे भी शुगर की चीजें अवॉइड करती हूँ, नहीं देना ना अद्विक।
आपको हम शुगर की चीज देते हैं, हम सिर्फ अद्वीप को यही ब्रांड का ही खिलाते हैं, बिकॉज कि मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ ये ब्रांड के ऊपर, क्वालिटी एंड प्राइस के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छी है। मैंने एक एक चीज करके आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगाया है। तो सबसे पहले ये चोको बार, चोको क्रंच, फिर उसके बाद ये है कोकोनट शुगर। सो ये भी नेचुरल स्वीटर, जीरो जंक प्रॉमिस है ये, नो केमिकल्स है, और ये तो रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम है। इसको मैं मेकिंग में बताऊंगी इसके क्या क्या यूजेस है। दूसरी चीजें मुझे इनकी अच्छी लगी, मैंने मंगाया है उपमा घी मसाला। सोचो गाइज ये कितना अच्छी चीज है, और ये सिर्फ और सिर्फ 40 रुपीज की है। तो आप सोच सकते हो कि घी मसाला, नो प्रिजर्वेटिव्स, नो आर्टिफिशियल कलर, जीरो पाम ऑयल। तो जीरो पाम ऑयल सुन के ही आपको समझ में आ गया होगा कि कितना बेनिफिट है। पाम ऑयल बच्चों के लिए बहुत गंदा होता है। तो दूसरा सेम मैंने मंगाया है उपमा टमाटो मसाला, सेम ये भी जीरो पाम ऑयल है, बट ये टमाटो वाला है। अजय आपको टमाटो पसंद है, राइट? ओके, तो नेक्स्ट मैंने ये दो चीज मंगाई है गाइस। ये दोनों है नूडल्स, जो ये भी है गाइस नो रिफाइंड फ्लोर, नो फ्राइड, नॉट फ्राइड, ना ही इसमें रिफाइंड है, ना ही रिफाइंड हुआ है, और ना ही इसके अंदर फ्लोर मैदा है गाइस। और दूसरी चीज, इसको पूरा स्टेप्स पे पीछे बताया गया है, और इसकी प्राइस भी सिर्फ और सिर्फ 129 रुपीज है। तो आप इसको भी बाय कर सकते हो बच्चों के लिए। मैं सच बताऊ, मैं अद्विक को नूडल्स बहुत अवॉइड करती हूँ खिलाना, मैगी वगैरह, क्योंकि मुझे पता है कि वो आफ्टर लाइक स्टमक में जाने के बाद काफ़ी प्रॉब्लम्स देती है, वो डाइजेस्ट भी नहीं होता। तो ये विदाउट फ्लोर का है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। सो गाइस ये है पंजीरी, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, नो रिफाइंड शुगर, नो व्हीट, और ये नट्स एंड घी जैगरी से बना है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए बहुत। नेक्स्ट मैंने मंगाया है एलमंड डेट पाउडर, 100% ड्राई फ्रूट्स मिक्स, नो एडेड शुगर, सेम, नो प्रिजर्वेटिव्स, और ये भी मिल्क, जीरो जंक है इसमें, प्रॉमिस बोला है इन्होंने। हाँ, सो ये सारा चीज मैंने अद्वी के लिए मंगाया है, क्योंकि इसमें शुगर नहीं है, इसमें सारी चीज में मैदा नहीं है। ये भी सेम चीज है, लेकिन ये पालक से बना है, स्पिनच से बना है। ये डोसा, रेडीमेड डोसा आता है ना, वो है। पीछे इंग्रेडिएंट दिया है कि आप इसके अंदर, मतलब आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, इसको मैं यूज करके आपको भी बताऊंगी गाइस। और ये भी सेम डोसा ही है, बट ये बीट रूट डोसा है। इसकी प्राइस भी काफी रीजनेबल है, 89 रुपीस, जस्ट 89 रुपीस का है। तो ये बहुत प्राइस फ्री है, और ये काफी अच्छा चीज भी है, नो आर्टिफिशियल चीज है, तो प्राइस के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा है। आप इसको बाय कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है गाइस, वहां पे आप वहां से आप बाय कर सकते हो गाइस, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी आप बाय कर सकते हो। मैं अमेजोन का लिंक नीचे दे दूंगी, वहां से आप चेक कर सकते हो गाइस। तब तक के लिए बाय बाय। हेल्दी 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 यम्मी 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 चॉकलेट 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 प्लेटी प्लेटी खाओ खाओ चॉकलेट चॉकलेट मोर चॉकलेट वाह। हरे कृष्णा, हाँ इधर है, चलो चलो चलते रहो जल्दी। हरि बोल।
बिल्कुल।